मंगलवार को एडीआर सेंटर में पैरालीगल वॉलेंटियर्स व अधिवक्ताओं द्वारा संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता सील तंवर ने मौलिक अधिकार व कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिवक्ता सीला तंवर ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई और संविधान के मूलभूत ढांचे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रत्येक भारतीय के मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संशोधन के जरिए संविधान से जोड़ा गया। कुल 11 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार से गिनाए गए। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्णता बनाए रखें, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी भागों में समर्थ तौर पर सम्मान ब्रांच तत्वों की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, उस ऐसी प्रार्थनाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, समन्वित संस्कृति की गौरवशाला परंपरा का महत्व समझें और संरक्षण करें, वन, नदी, वन्य जीव आदि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो पूरी दुनिया के सामने अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले देश में जब हिंसा होती है तो ये सब देखकर दुख तो होता है बेटा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के निर्देशानुसार वे हमारी सेक्रेटरी महोदया मैडम सिफाजी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमने ये संविधान दिवस के उपलक्ष में ये कार्यक्रम रखा। इसमें हमारे सभी पैनल अधिवक्तागण, सभी प्राविधिक स्वयंसेवक पैनल के और सभी हमारे स्टाफ मेम्बरान रहे और इस प्रोग्राम में हमने संविधान के प्रति मैडम शीला जी ने शपथ दिलाई और इसमें हमने विशेष रूप से आदमी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहता है लेकिन कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है, इसलिए हमने आज इस शपथ के माध्यम से गांव-गांव में हमारे जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे अब 4 महीने तक उसमें उनके कर्तव्यों के बारे में ही जानकारी देने के लिए हमने हमारे पैनल एडवोकेट्स को प्रार्थ हमारे जितने भी पैनल अधिवक्ता थे और जो पीएलपीज यहाँ मौजूद थे, इसके अलावा हमारे यहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स थे, उनको ये बताया कि किस प्रकार से अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य बहुत ज़रूरी है और हमारे संविधान में इन कर्तव्यों को इसलिए रखा गया क्योंकि जो अधिकार हमें दिए गए थे वो इन कर्तव्यों के बिना पूरे थे। जब संविधान बनाया गया था उस वक्त कर्तव्यों को उसमें नहीं रखा गया था, लेकिन 42वें संशोधन से हमारे यहाँ उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A, जिसके तहत हमारे को 10 मौलिक कर्तव्य जिसमें सम्मिलित किए गए और 86वें संशोधन के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें शिक्षा को भी रखा गया कि किस प्रकार से, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश के लिए जब तक उसके नागरिक शिक्षित नहीं होंगे वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो इस शिक्षा को भी इन मौलिक कर्तव्यों में रखा गया कि सभी माता पिता के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे। जो संविधान है उसका जो मूलभूत ढांचा है उसको कोई भी अमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित कर दिया गया तो हमारा संविधान जो है वो अपनी गरिमा को खो देगा। जो संविधान बनाया गया था उस वक्त ये ध्यान में रखा गया था कि किस प्रकार से हमारा देश जो एक विकसित देश, विकासशील देश है, उसको विकसित होना है, तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको एक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया और जो मौलिक कर्तव्य और जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो इसी को ध्यान में रखते हुए दिए गए।
नया बाजार वासियों ने कूड़े का उठान नहीं होने से परेशान होकर मंगल